मेहनत है। पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से, एक्सपर्ट से, कंज्यूमर से, लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह उस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है। पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती है अगर, तो चाइना को आगे रखा जाता है। कहते हैं कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा अच्छा काम है। ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास है मुझे कि आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये पॉलिसी देश की तो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है ही, शायद दुनिया के भी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ हैं उनमें, उन सब में एक अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के ज़रिए हमारे 2 मकसद हैं। एक मकसद है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। कोरोना के समय में दिल्ली की अर्थव्यवस्था, क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस टाइम खराब हो गई है? पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को किक देने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए। हमने रोज़गार वेबसाइट बनाई, हमने रेहड़ी पटरी वालों का काम शुरू कराया, हमने डीजल के रेट में बहुत भारी कमी की और भी कई सारे काम किए। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त किक देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम आएगी। और दूसरा, पोल्यूशन कम करना। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पोल्यूशन 25% कम किया, लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। पोल्यूशन को और कम करना है। अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि PM10 और PM2.5 लेवल्स कितने कम हो गए थे। शानदार आसमान दिखाई देता था, साफ सुथरी हवाएं चलती थी। अब जब हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, हम वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वापस उस किस्म का विकास नहीं चाहिए जो कि प्रदूषण, जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण हो। आइए हम सब लोग मिलकर ऐसी दिल्ली का निर्माण करते हैं जो कि भविष्य की दिल्ली होगी, जिसमें साफ सुथरी हवा होगी, अच्छी सांस ले पाएंगे, जिसमें प्रदूषण नहीं होगा, जो सस्टेनेबल होगी। और उस दिशा में ये पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम करेगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगी। इस पॉलिसी को, जैसे मैंने बताया कि आज सुबह नोटिफाई कर दिया गया है, और इस पर पिछले 2.5 साल में हमने खूब चर्चाएं की है। ये कोई एसी कमरे में बैठ के किसी अफसर या किसी नेता के द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं है। आप सब लोग इसके गवाह हैं। हमने समय समय के ऊपर जब बड़े बड़े कंसल्टेशंस किए, देश के जाने माने, दिल्ली के नहीं पूरे देश भर से हमने जाने माने लोगों को बुलाया, पूरी दुनिया की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को स्टडी किया, और उसमें से जितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को मिली उन सारी बातों को हमने इस पॉलिसी में डालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हो सकता है कमियां रह जाएं, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। तो ये पॉलिसी एक तरह से दिल्ली सरकार की नीयत दिखाती है कि हम इस दिशा में जाना चाहते हैं। इसमें जो भी कमियां होगी उन कमियों को समय समय पे चेंज भी करते रहेंगे, ठीक भी करते रहेंगे। फिलहाल ये पॉलिसी 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद इसको रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अगर इन 3 साल के अंदर भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो समय समय पे इस पॉलिसी को हम बदलते भी रहेंगे।
हमारा इसमें मकसद है, स्पेसिफिक अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें, 2024 तक दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसके कम से कम 25% नए व्हीकल्स 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज ये प्रतिशत केवल 0.2% है, इसे हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमें लगता है हजारों की संख्या में नए जॉब्स क्रिएट होंगे, इसमें ड्राइविंग में, सेलिंग में, फाइनेंसिंग में, सर्विसिंग में, चार्जिंग में नए नए किस्म के जॉब्स क्रिएट होंगे। पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी का एक सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज काफ़ी महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं, जो पोल्यूशन करने वाले पेट्रोल डीजल इनके जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं, आदमी खरीदता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट नहीं हो पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें इसलिए सरकार इस पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने जा रही है। अगर आप टू व्हीलर्स खरीदेंगे इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदेंगे तो आपको 30,000 तक अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल पे, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा, ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा, ई रिक्शाज पे 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा, और जो मालवाहक हैं, फ्रेट व्हीकल्स हैं, उस पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ये जितने इंसेंटिव्स है, एक केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम को कहते हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम, उस स्कीम में भी काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो इंसेंटिव मैंने बताई है उसके एडिशन में है, केंद्र सरकार तो देगी, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे केंद्र सरकार भी आपको इंसेंटिव देगी, हमने जो भी अभी बताया 30,000 50,000 ये उससे ज़्यादा हैं। एक हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके घर में अभी पोल्यूटिंग व्हीकल है, पेट्रोल का व्हीकल है, डीजल का व्हीकल है, वो सोचता है यार मैं इसका क्या करूँगा, तो अगर आप एक्सचेंज करते हैं अपने पुराने व्हीकल को नए व्हीकल से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया व्हीकल खरीद सकते हैं वो और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है पूरे देश में सबसे पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पे इंटरेस्ट वेवर देगी, अगर आप लोन लेंगे उसके लिए तो उस पर इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट उस पर आपको सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स दोनों माफ होंगे। और ये सारे इंसेंटिव्स, दो किस्म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, एक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो फिक्स्ड चार्जिंग वाले होते हैं और एक होते हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग होती है। ये जितने मैंने इंसेंटिव्स बताए सारे इंसेंटिव्स सभी व्हीकल्स के ऊपर लागू होंगे। आज सबसे बड़ी समस्या, कोई क्यों नहीं खरीदता इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक ये भी दिक्कत होती है कि पेट्रोल का व्हीकल खरीदते हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, वहाँ जाके पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवा लेते हो, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपकी चार्जिंग ख़त्म हो गई तो कहाँ जाओगे। तो इसीलिए पूरी दिल्ली के अंदर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा, और हमारा टारगेट है पहले एक साल में हम लोग 200 चार्जिंग स्टेशंस पूरी दिल्ली के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो पूरी हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी इतने चार्जिंग स्टेशंस बने कि 3 किलोमीटर के दायरे में, दिल्ली में कहीं भी 3 किलोमीटर के दायरे में आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे युवाओं को इस पे खूब सारे जॉब्स मिले, नई टेक्नोलॉजी है, नया काम है,
तो ट्रेनिंग नहीं होगी उनकी, तो युवाओं को बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जितने भी काम होंगे उन सारे कामों के लिए अपने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको इसमें जॉब्स मिल सकें। एक राज्य के स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे एक स्टेट ईवी फंड बनाया जा रहा है जिसमें इसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा इस स्टेट ईवी फंड से उसको किया जाएगा। दिल्ली के स्तर पे एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके चेयरमैन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, और एक डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जाएगा जो इसको पूरे को लागू करेगा इस पॉलिसी को। अगले 5 साल में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कम से कम 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर किए जाएंगे। आज दिल्ली विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली विकास मॉडल ने अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली विकास मॉडल अच्छे अस्पताल, दिल्ली के स्कूलों की चर्चा, दिल्ली के अस्पतालों की चर्चा, दिल्ली में 24 घंटे बिजली की चर्चा, दिल्ली में फ्री बिजली की चर्चा, और अभी दिल्ली मॉडल कोरोना को जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने मिलकर हराया है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा हार गया, बिकॉज ऐसा मत करना कि अपने मास्क निकाल के घर से बाहर निकल जाओ। अभी दिल्ली में अभी कोरोना को कंट्रोल किया है, तो दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने का हमारा जो मॉडल है, आने वाले समय में दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होगी। और जैसे मैंने बताया, आज से 5 साल बाद मुझे विश्वास है दुनिया भर में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा होगी तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी। मैं ख़ास तौर से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने और हमारे सभी ऑफिसर्स ने और दिल्ली डायलॉग कमीशन, इन सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काफ़ी काम किया पिछले 2-2.5 साल में। सब लोगों ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे जितने भी गोल्स हैं वो सभी अचीव हों। नमस्कार। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।